जब राजीव गांधी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है और फिर वंश के आधार पर बनता है, उसका दुष्परिणाम सांसद प्रधानमंत्री बन गए थे राजीव गांधी कातरों की मामा यहाँ सांसद बने राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे जो है खादों या फिर सोनिया गांधी सांसद नहीं बनकर पहुंचे, जनता ने उन्हें नहीं चुना। सुन लीजिए मेरी बात, आप ठीक है आप अच्छी सुन तो लेंगे। नहीं राकेश जी ठीक है उनकी पैरवी कीजिए, लेकिन मेरा पैरवी नहीं कर रहा हूँ साहब, मैं सवाल पूछ रहा हूँ प्रेम शुक्ला, मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस के पास भी जाऊंगा, समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगा, तो उनके पास भी उनके लिए मेरे पास ऐसे सवाल होंगे, इसलिए ये मत कहिए प्लीज मैं पैरवी कर रहा हूँ। ठीक है उनके पास, लेकिन आप मुझे जब प्रश्न पूछते हैं, जब मुझे कोई प्रश्न नहीं, मैं उसका उत्तर देने को तैयार, मैं आपको तो उत्तर दीजिए, ये मत कहिए ना कि मैं पैरवी कर रहा हूँ। मुझे पैरवी शब्द से आपत्ति है प्रेम शुक्ला, मुझे पैरवी शब्द से आपत्ति है। नहीं होगा ना, आपको मेरी बहुत सारे शब्दों से आपत्तियां होंगी। नहीं नहीं तो आपत्ति होगी, ये मत कहिए कि मैं पैरवी कर रहा हूँ। आप आपत्ति कीजिए, मैं भी आपत्ति कर सकता हूँ। एक तरफा आपत्ति नहीं होता ना, पैरवी होती है। जब आपके प्रश्न पैरवी लगेगी तो मैं कहूंगा पैरवी। नहीं मैं आपसे सवाल पूछूंगा प्रेम शुक्ला, मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो जाहिर सी बात है वो सवाल आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं होंगे, आपके कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, तो आप पैरवी कह देंगे। ये ऐसे ही मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा तो कांग्रेस पार्टी कहेगी कि आप भारतीय जनता पार्टी की पैरवी कर रहे हैं। अभी मैं समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगा, उनके यहाँ क्या वंशवाद है उसका चिट्ठा पत्र मैं अगर खोलूंगा तो वो कहेंगे कि आप दूसरे की पैरवी कर रहे हैं। मत कहिए ना, पत्रकार के सामने सवाल पूछा तो वो सवाल पूछने दीजिए, आप उसको पैरवी शब्द नाम मत दीजिए। कह सकते कहते हैं लोगों तो बहुत कुछ कहते हैं, मैंने तो सिर्फ पैरवी की बात की। नहीं तो उसका मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ। नहीं आप शुक्ला जी, कोई भी अगर गलत कहेगा तो मैं ऑब्जेक्शन करूंगा। पैरवी शब्द आपका गलत था, मैं उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ। आपको ये शब्द वापस लेना चाहिए। आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, जवाब दीजिए। मैं आपकी आपत्ति पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, मुझे उत्तर देने का अवसर दे। ठीक है, मैं आपकी आपत्ति का स्वागत कर रहा हूँ, मैं आपकी आपत्ति पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा। आपको अपनी पत्रकारी मानदंडों को बनाए रखते हुए आपत्ति करने का पूरा अधिकार है। मेरा सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी के नाम के साथ जो है गांधी शब्द नहीं होता तो क्या वो सीधे कांग्रेस पार्टी के महासचिव बन गए होते? देखिए मैं आपको बता दूं कि श्री राहुल गांधी करीबन 2004 से 2005 से यूथ कांग्रेस की और एनएसयूआई की पॉलिटिक्स में आए हैं और वहां से लेकर के आज 2019 तक का उन्होंने ये दौर जो है वो सापरा साहब एक सवाल पूछूं, मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं जानता, आसान लगता है सापरा साहब, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है सापरा साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है ये दिल्ली से गली तक राहुल गांधी जी का सापरा साहब, सापरा साहब एक सवाल पूछूं कराइए ना, एको फिर आ रहा है। सापरा साहब एक सवाल मैं पूछूं, आप कितने समय से राजनीति में, किस साल? एको बंद कराइए। हाँ ठीक है, मैं भी हूँ 33-35 वर्षों से मैं भी हूँ। हो गया फर्क, हो गया। मैं आगे कुछ बोलूं या आपको बात समझ में आ गई? मैं आगे कुछ बोलूं या आपको बात समझ में आ गई? मुझे नहीं नहीं आप अधिक अधिक होशियार मत बनिए, मेरा ये कह रहा है। अरे क्या क्या मैं होशियार बन रहा हूँ? आपने खुद गिनाया, आपने खुद गिनाया कि आप इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, तो आप वहां पर पहुंच गए, या आपके अंदर योग्यता नहीं है साहब, या आपके अंदर कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनने की योग्यता नहीं है? जवाब दीजिए ना। फिर मैं ये कहता हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह में योग्यता थी कि नहीं? डॉक्टर मनमोहन सिंह में योग्यता थी कि नहीं? नरसिम्हा राव में योग्यता थी? सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की योग्यता थी कि नहीं? मनमोहन की योग्यता थी बने थे देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के राज किया ना उन्होंने, कांग्रेस पार्टी के सवाल आपसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे वो 32 सर, वो खुद बोलते हैं कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। मेरी बात, कांग्रेस पार्टी के जो 32 अध्यक्ष थे जो गैर गांधी परिवार से थे उनकी योग्यता थी कि नहीं? साहब ठीक है, ठीक है सापरा साहब, सापरा साहब मैं बाकी मेहमानों का रुख कर लूं, सापरा साहब ठीक है, आपने मेरी बात अच्छे तरीके से समझ ली और बहुत ज्यादा होशियार होने का तमगा भी लगा दिया। मत बनिए, ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मत बनिए, आप एंकर है सापरा साहब। पहले तो माइंड योर लैंग्वेज, ये बात दरअसल यही दिक्कत होती है, जहां पर सवाल आप लोगों के कंफर्ट जोन से बाहर हो जाता है आप सवाल पूछने लगते हैं, दूसरे को प्रवक्ता बता देते हैं। ये बात प्रेम शुक्ला ने शुरुआत में कही थी कि मैं कांग्रेस की पैरवी कर रहा हूँ, आप नहीं जुड़े थे उस समय। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ तो मैं प्रवक्ता हो गया दूसरे किसी का? नहीं, दूसरे किसी का प्रवक्ता हो गया? ये आरोप प्रेम शुक्ला ने शुरुआत में लगाया था कि आप पैरवी कर रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता, जब आप बीजेपी का प्रवक्ता हूं। मेरा उत्तर सुन नहीं रहे, जब मैं आपको बता नहीं, मैंने कौन सा ऐसा सवाल किया कि आपको लगा कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं? अध्यक्ष गैर गांधी परिवार, नहीं आपने किस आधार पर कह दिया? ठीक है,
आपका वक्त, आपका वक्त, एक मिनट साबना साहब, ठीक है ना, मैं बहुत होशियार हूँ, ठीक है, एक मिनट शांत रहिए, शांत रहिए। प्रेम शुक्ला एक जवाब दीजिए, आपने भी यही आरोप लगाया था मुझ पर, अगर आपको याद हो शुरुआत में, तो जल्दी से इनका जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ता हूँ। नहीं, मैंने ये आरोप नहीं, मैंने सिर्फ पैरवी कहा था, और वो प्रवक्ता कह रहे थे, ठीक है ना, शब्द चेंज हो गया थोड़ा सा, राकेश जी मैंने सिर्फ पैरवी कहा था, पैरोकार कहा था, अरे तो प्रवक्ता कह दे रहे हैं, सो बहुत अंतर है।